गरियाबंद वन मंडल के छुरा क्षेत्र में आज फर्नीचर दुकानों में वन विभाग के द्वारा छापामार कार्यवाही कर भारी मात्रा में अवैध लकड़ी जब्त की गई है, जिसकी वैध दस्तावेज फर्नीचर दुकानदारों के द्वारा नहीं दिखाई जा सकी। यह लकड़ी 3 से 4 दुकानों में छापामार कर जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। फर्नीचर दुकानदारों के द्वारा अवैध लकड़ियों का कारोबार लगातार होने की सूचना पर यह कार्यवाही वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री संरक्षक महोदय रायपुर और हमारे वनमंडलाधिकारी महोदय गरियाबंद के निर्देशानुसार वन अपराधों पर लगातार सतत निगरानी और उस पर नियंत्रण करने के दिशा में हमें सूचना प्राप्त हुई थी यहाँ से, तो उस पर उसके बिना पर हमने अपने उपमंडलाधिकारी राजीव से तलाशी वारंट कर लिया और यहाँ पर 4 लोगों के यहाँ कार्रवाई की है, जिसमें छुरा नगर के 2 बढ़ाईगिरी करने वाले वर्कशॉप हैं, प्रीतम साहू और संजय पटेल का, और इसी के साथ ही खरखर ग्राम में भी 2 लोगों के घर में कार्रवाई की गई। यह एक ज्वाइंट ऑपरेशन रहा है और इसमें उपमंडल राजीव के हमारे छुरा वन प्रक्षेत्र अधिकारी की टीम पर चौम्बे और मेरी वन प्रक्षेत्र परफुली की टीम और पांडुका वन प्रक्षेत्र अधिकारी की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके अंजाम पाया है और इस कार्रवाई के दौरान एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और लगभग 662 नग चिरान, जिसमें बीजा, साल और सागौन के और कुछ विनिर्मित लकड़ियां हैं, जिस पर जिसको छापामार कार्रवाई के अंतर्गत जब्त की गई और जब्त करके इसको प्रक्षेत्र अधिकारी कार्यालय लाया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और इसमें पूरी कार्रवाई के दौरान हमने अभी कार्रवाई जारी है, जिसमें लगभग 6 घन मीटर का माल हम लोगों ने जब्त किया। गरियाबंद से परमेश्वर राजपूत की रिपोर्ट।